सो वेलकम यू ऑल गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। देखिए इसमें दिया हुआ है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, और उसने कंस्ट्रक्शन जॉब के लिए एक रूल यहाँ पे फाइनलाइज किया हुआ है। रूल क्या है कि आपके ऊपर ना पेनल्टी लगेगी, ठीक है, अगर आप जो काम है ना टाइम पे कंप्लीट नहीं करते हो। तो अगर आप टाइम पे कंप्लीट करके नहीं दोगे तो आप पे पेनल्टी लगेगी। चलिए, लेकिन उस पेनल्टी कितनी लगेगी वो पेनल्टी वो यहाँ पे देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 200 फॉर द फर्स्ट डे, मतलब अगर आपका एक दिन का डिले हुआ तो कितना पेनल्टी लगेगा, 200 रुपये। लेकिन अगर आपने दो दिन का डिले किया, ठीक है, सो उसके लिए क्या लगेगा, 250 फॉर द सेकेंड डे। आया समझ में? मतलब सेकेंड डे का डिले का कितना लगेगा, 250, और फर्स्ट डे का डिले का 200। और अगर आपने तीन दिन का डिले किया हुआ है तो पहले दिन का इतना पेनल्टी, दूसरे दिन का 250 एंड थर्ड डे का 300 रुपीज़, ठीक है। इसी तरीके से अगर चार दिन का डिले हुआ तो आपको पता चौथे डे की पेनल्टी क्या होने वाली है, 350 रुपीज़। और अगर फाइव डे का डिले हुआ तो फिफ्थ डे की पेनल्टी क्या होगी, वो होगी 400 रुपीज़। तो आपको दिख रहा है ना जो सक्सेसिव डे की जो पेनल्टीज हैं वो एक एपी फॉर्म कर रहे हैं। वो किस तरीके से, ये हो गया फर्स्ट डे की पेनल्टी, दिस इज सेकेंड डे, दिस वी हैव थर्ड डे, एंड दिस वी हैव फोर्थ डे, एंड सो ऑन। इस तरीके से एपी चलता जाएगा और एपी फॉर्म होता हुआ दिख रहा है बिकॉज द डिफरेंस इज गोइंग टू बी सेम इन ईच केस। तो चलिए, ये तो आपका एपी फॉर्म हो गया है। इस एपी का सारा डेटा आपको पता भी है, इनिशियल टर्म 200 है, डिफरेंस 50 है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है कि हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनाल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। तो अब क्या करे बेचारा, है ना, मौसम अच्छा नहीं था तो वर्क तो डिले हो गया है। अब वर्क कितना डिले हुआ है, 30 डेज से डिले हुआ है ना, बहुत ही लंबा डिले हुआ है। तो उसकी जेब पे अच्छी खासी, है ना, अच्छा खासा पेनाल्टी तो लगने वाला है उसके ऊपर। तो पेनाल्टी कितने का लगेगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये पहले दिन का डिले, सेकेंड डे का, इस तरीके से उसने कितने दिन तक डिले किया, 30 डेज तक डिले कर दिया उसने। तो एक्चुअल में हमें निकालना क्या है, यहाँ पे वी हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ 30 टर्म्स। आया समझ में? इस तरीके का जो एपी बनेगा उसके 30 टर्म्स का सम देखना है हमें। तो सम का फॉर्मूला इजी है, ये आपके सामने है, n/2। तो यहाँ पे n कितना होगा, 30, सो आई विल पुट 30/2। अब यहाँ पे 2 into a, विच इज इनिशियल टर्म कितना है, 200, ठीक है, मुझे अलग से लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, बिकॉज यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, ठीक है, प्लस n-1, तो ये हो जाएगा 30-1 मल्टीप्लाइड बाय द कॉमन डिफरेंस d, विच इज इक्वल्स टू 50। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो आप। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ 30 टर्म्स विल बी इक्वल टू 30/2 इज 15, ओके। और यहाँ पे आप देखिए, 2 into 200 इज 400 प्लस 30-1 विल बी 29, एंड 29 का 50 से मल्टीप्लाई होगा, सो 29 into 5 देख लो कितना होता है, सी हो जाएगा 9 5s are 45, सो दिस इज 5 एंड हियर विल बी 4, एंड 5 into 2 इज 10, 10+4 इज 114, सो ये क्या हो जाएगा 145, सो 145, और एक और जीरो ऐड करना है मुझे यहाँ पे। अब इसके बाद आप इसे कैलकुलेट कर लो, सो सम ऑफ 30 टर्म्स विल बी इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 400 प्लस 1450, तो ये हो जाएगा 1850, और इसे मल्टीप्लाई करना मुझे किससे, 15 से। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा, 1850, सो 185 मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा 15 से, तो ये भी इजी है। देखिए, 8 5 5 5s are 25, दिस इज 5, दिस इज 2, 8 5s are 40, 40+2 इज 42, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये आ गया यहाँ पे 4, देन 5 1s are 5 + 4 is 9, सो 925, और फिर क्या लिख देंगे, 185 डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा 5 7, दिस इज 17, यहाँ पे 1, सो दिस विल बी 2, सो 2 7 7 5 आ जाएगा ये, सो दिस विल बी 2 7 7 5 and 10 that we left earlier. So sum of 30 terms will be equal to 27,750 rupees. So this is a whole lot of a sum. ठीक है, बहुत ही huge sum है, this is a huge sum. So 27,000 alone, nearly 27,000 rupees he has to pay as fine just because of his delay. सो बहुत देख के दुख तो हो रहा है, बट अच्छा, अच्छी बात है ना, डिले यहाँ पे पेनल्टी लगी है, बहुत अच्छी बात है, पेनल्टी नहीं लगती तो और लेट कर देता वो, ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।